फिर पातशाह कहिंदे आ कि दस नूं द्वार जा के भी मन निर्मल पवित्र नहीं होंदा। हाँ, मन नूं पवित्र करके दस नूं द्वार चल जाओ, ये तो क्रिया बुद्धी है। जे मन निर्मल किया नहीं तो क्रिया सिख ले प्राण चढ़ाने की, जदों फिर वास दस द्वार नीचे उतारेगा तो मन में जिस तरह के भाव है उस तरह की क्रिया फिर वह करनी शुरू कर देगा। इस वास्ते पातशाह कहिंदे हठ योग दे नाल प्राणा नूं दस द्वार विच लै जाण नाल ये योगी जी मन जड़ा वो निर्मल पवित्र नहीं हुंदा है। ब्रह्म ब्रह्म आवै मूड़ा वारो वार, योगी कर लिया परत्या आहार, अपनियां वाशना बड़ियां सूक्ष्म कर ली, धारणा बना ली और मैं क्रिया करनी किते बिना क्रिया पिछे नहीं बढ़ना। फिर ध्यान जड़ा है मंदा तका हुआ अवस्था, फिर वो समाधि लाने सारे इंद्रियों को सोच के पहला तो शब्द का अभ्यास करते हैं जो उन्होंने गुरु ने दसा हो, फिर हम पर व्यास समाधि होती है शब्द भी चलता के नाल समाधि का भी बना दिया अकागरता जी आस पर व्यास है सावकल्प समाधि है वो शब्द के अभ्यास का संकल्प हैगा, जी निर्विकल्प है उसे फिर शब्द भी नहीं रहता। उसका जन बोल है सरावा, जन बोलता मना रहावा, बोल अबोल मद है सोई जस हो तस तक है ना, उसे तो फिर आपे करो अपना जाप अपनी आत्मा का चिंतन ही है। फिर उसे ये अखर फिर जानेंगे वो अखर तिन महीना, फिर उसे अखर के अभ्यास की गल नहीं, फिर जो अक्षर नाश हो रहा ब्रह्म उसका चिंतन करते हैं, फिर वे बच्चे लीन अवस्था जी अकेता जरा नंबी है सुन साध संग जी प्राप्त हो जाया करती है। पर मदल बड़िया कठिन है, तो बैक्टरी का जाल मदम शांति और परा का इस तरह फिर अगे साध संग जी रूम रूम वगैरह है वो तत्तों का जाप है, फिर इस तरह माया प्रकृति उपर उठना शुद्ध चेतन दे अभेद अवस्था प्राप्त करना ये जरा आत्म चिंतन। सो ये सारिया गल्से इंद्रिया बोलना तो उपर उठ के और मन दिन सारिया वाचना लोग वाचना हैगी है शास्त्र वाचना हैगी है और इस तरह साध संगत जी ये शुद्ध लोग ईश्वर की पुत्र वाचना है वासन वेटन वासन हुई है सारिया वाशनावान का त्याग करके वाशना तो रहत हो के फिर वो जरा सिमरन प्रभु चिंतन वो बहुत उची सुची जी अवस्था साध संग जी वो रियासी जनों प्राप्त होती है। ये वास्ते बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये नहीं कि गल अभ्यास सुन लिया या ब्रह्म ज्ञान दल सुन गई ये ठीक है सुनना है सुन के अमल करके उसके द्वारा अभ्यास भी करना, फिर वो सियाने पुरशों की संगत की लोड़ है जोड़ा नाल नाल गाइड करते रहन ता जो किसी तरह की रुकावट हो गए उसकी निवृत्ति वास्ते उन्होंने अगला रास्ता जोड़ा वो साध संगत जी मिलता रहे, क्योंकि मार्ग बड़ा सूक्ष्म है। आम लोग तो इन्हें मत्था टेक है थोड़ा बहुत इतने कर लिया थोड़ा बहुत पूजा पाठ ये तो बहुत लंबी क्रिया हैगी है, इन्हें फिर लगे रहो कई जन वो जिन्हों को मना करते उन्हें तो आप ही पी जाने पर जोड़े अभ्यासी अब तो फिर साध संग जी हर विद नींद भुख का अभ्यासी वो तो दिन रात फिर साध संग जी और ऐन दृढ़ता के नाल लगे है कि किसी जन्म से जे महाराज की मेहर हो जाए तो जमन मरना कटिया जाए आवागमन प्रभु परमेश्वर का मुलाप से अभेद अवस्था जी है वो प्राप्त हो जाए।
ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਹਨ ਚਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਰ ਖੜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਮਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੈ ਉਹ ਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਭੇਕ ਧਾਰਨੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਭੇਕ ਤੀਜ ਹੋਣ ਹਲੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧਰ ਕਾ ਸੁਭਾਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਚੱਕਰਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜੂਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਠ ਸਤੀ ਆ, ਭਰਕਾਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਯੰਤਰੀ ਤੰਤਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਪਲੇ ਟੱਪਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਰ ਉੱਤਰ ਜਾਹੀ ਇੱਕ ਖਿਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖਿਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਨੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ
किन्ना लम्मा समा अखाड़ियां दे विच उस्तादां द्वारा मेहनत करता, जदों फिर किसी अखाड़े में जाके कुश्ती करता, जदों किसी पहलवान ढाउंदा उठे नहीं लगता, पर खिन प्राप्त करना बहुत औखा है। वो जिहड़ा खिणिया ना एक चित जिन एक खिन ते आयो काल पास के बीच ना आयो खिन किसे नहीं प्राप्त हो जाता। खिन प्राप्त करने वास्ते तो बहुत समा, जदों परमेश्वर की प्राप्ति होंदी है गुरु कृपा करके खुद ही माया का पर्दा चुकते हैं, खिन भी कहने मात्र बहुत थोड़ा टाइम लगता, पर गुरु की कृपा के पात्र बन वास्ते धन गुरु अमरदास साहब जी वांगू 12 साल या होर लम्ब समा किन्ना समा भालना धरनी पई है, फिर वो बख्शिश का खिन मिलया। तो एवं किमें थोड़ी मिल गया, बाबा मंझ साहब जी ने किन्ना लम्मा समा गुरु नानक पातशाह जी के घर की वो काल वो भी निष्काम हो गई, मन के विच कोई हंकार ना पैदा हो, निम्रता शुभ गुण पैदा हो जाए, अपनी होंद मिट जाए, आपा भाव त्याग के जीवन भाव तो मर के सेवा की जाए, फिर वो जी सेवा आ वो साध संग जी सेव की संतोखी जी सचो सच से आया, उन्हें मंदे पैर नुकर शुकर धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधन अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बखशीसी अगला नित देवै कड़ा सवाया, और वड्याई वड़ा पाया। ये तो भी बहुत वड्डी है, पढ़न के शब्द रागी सिंह भी पढ़ गए, पर यह जी कमाई सुनने वाले ने सुन लिया वो कमाई वाले बंदे वखरे है, प्रैक्टिकली जीवन वाले बंदे वखरे होंगे, सुना तो सुनना एक होर किरिया, और कमाई करके उस मजल नूं प्रैक्टिकली प्राप्त करना एक वखरी प्रक्रिया है। सेवा करन दीआं गल्लां ते बहुत संसार दस रहा, नाम जपण दीआं गल्लां बहुत लोग दसदे आ, कई ऐसा संस्थावां बनिया हुई जड़ियों दस रही, असीं जी इन्ने महीनों ब्रह्म ज्ञान का सर्टिफिकेट दे देंगे, पर ही तो एक गल्लां मात्र हैं, दो ते दो चार न्याणा भी दसेगा, पी एच डी वाला भी दो ते दो चार ही दसेगा, तो हुंदे दो ते दो चार आ, पर साध संग जिहड़ी मंजिल है ये बहुत वक्री है, ये बड़ा कमाई का अभ्यास का मार्ग है। पातशाह जी दसते हैं राम देव के जीवन वाल की कृपालता करते हैं, सिमरत शास्त्र करहे बखियान, जी 27 सिमरतियां 6 शास्त्र 18 प्राण 4 वेद, ये भारतीय फलासफी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये सारे नौजवानी चेते करके और इन्हों के बख्यान भाषण जड़े है वो भी लोगों को सुनाना करे, और लोगों को माया मानता मिल जाएगी, पर परमेश्वर की प्राप्ति जी एक बखरा तत् है। इस वास्ते हजूर अज भी बहुत लोग किताबी ज्ञान पढ़ के गलां बातां करनियां ते बहुत सीख लेंदे है, पर उन्हां उत्ते अमल करना उस प्रकार जीवन ढालना जो ग्रंथां दे विच जां पंथां दे विच दस्या गया जां गुरबाणी विच कृपा कीती है वो साध संग जी वखरी प्रक्रिया है, जिन्हों गुरसिखां नूं मंजिल मिल गई वो पूजनी हन, वो नमस्कार करने के योग हैं, अज भी उन्हां दे नाम इतिहास विच किस तरह चमक रहे हैं। एक नहीं बयान अस उन्हां नूं मत्था टेकदे हैं, उन्हां दे शहीदी दिन मनाउंदे हैं, उन्हां दे जोड़ मेले करदे हैं, इतिहास पढ़ के उन्हां नूं चेते करदे हैं, बहुत लोग उन्हां दीआं गल्लां सुना के अपना भोजन पानी परिवार भी पाल रहे हैं, पर वो लोग धन आ जिन्हां ने अपना जीवन उस प्रकार बनाया जिस प्रकार गुरबाणी ने बनन वास्ते हुक्म कीता। हाँ जी पातशाह कृपा करते हैं, सिमरत शास्त्र करहे बख्यान, शास्त्रां दे भी बख्यान कर कर सुना लेना करे, नाती बेदी पढ़े पुराण, कई मंत्रां दे संत पूरदे आ बड़ी उची आवाज करके, जिथे संत की आवाज चल जाती है उत्थे भूत प्रेत नहीं रहिंदा, ये तां बहुत सौखी गल हो गई, अंत में भूख मारी
भूत प्रेत चले गए, क्योंकि जींदे भूत हिंदुस्तान आके लुटते रहे, इज्जत बर्बाद करते रहे। किन्ना समा इत्थे दा उन्हें राज समाज भी सांभिया, ते किसी ने संत जाके ना जींदे भूतां नूं दौड़ाया नहीं। मरे हुए भूतां दीआं आसां करनियां, जींदे भी भूत बहुत है। सो इस करके कहिंदे नाद संतां दा भी पूर लैणा करे। और अज भी बहुत सारे टैलीविजन ते मंत्रां जंत्रां तंत्रां दीआं गल्लां करदे आ, इस मंत्र विच इह शक्ति है, मैं इह कर सकदा, वो हो सकदा। जिन्हां नूं पुछिआ जाए आए इन्निया लखां फौजां बार्डरां उत्ते सनदबद्ध हो के खड़ियां, ते तुहाडे मंत्र कदों काम आउणगे। बादशाह ने तो उस वेले कहा सी ना, कोई मुगल ना अंधा हुआ, किने ना परचा लाया, तुहाडे मंत्रां ने किसे मुगल नूं अन्ना ना कीता, किसे तुहां तुहाडी रख्या दा परचा नहीं लाया, कि तुहाडे नाल प्रेम पाया होवे। इस तरह इत्थे दीआं लड़कियां भेडां बकरियां नूं हक हक के कावल गजनी नूं लिजांदे रहे, किसे मंत्र किसे जादू ने किसे ताके तवीत ने तुहाडी सहायता ना कीती, किसे कार कढ़न ने उस कार ने रोकिया नहीं कि दुश्मन इहदे अंदर प्रवेश ना कर सके। पातशाह दसदे हाँ जी, फिर बोलो। नादी बेदी पढ़ै पुराण, नाद शब्द दा कारण ताके तवीत लिख के देने, और संतां दा पूरना दुनिया उचियां उचियां करनियां, घड़ियालां दा बजाउणा, इसे प्रकार पुत्रियां नफीरियां दा बजाउणा, ते शायद इन्हां दे नाल आवाज़ सुन के जिहड़े विरोधी ओह गुमसुम हो जाणगे, साढ़े ते हमलावर हो के साडा जानी माली हर तरह धार्मिक तौर पर नुकसान नहीं कर सकणगे, पर ओह सफलता तां मिली ना। फिर कहिंदे बेदी, वेदां नूं पढ़ के उन्होंने रिचां जड़ियां से उचार उचार के अग्नि के कुंड बना के उन्होंने जड़ी बूटियां का मूंग के नाल मंत्रां का जाप, इस तरह की प्रक्रिया जड़ी है वह भी कर लेना करे, और कई तरह के जो पाठ हैं वह भी महामृत्युंजय के पाठ ये पढ़ लेना करे। इन्हां नाल भी छुटकारा वगैरह होने की कोई आस नहीं है। पाखंड दृष्ट अंतर लोभ, पखंड वाली दृष्टि है कि हर वेले पखंड करता, पखंड वाली अखा पखंड दिया अखा ना देखता, किसी तरह किस तरह होना किमें होएगा। किसी ने एक दिन गल सुनाई कि कोई किसी की बरसी मना रहे सी, ते वो कहन लगा जी फलाने हुण आ गए ने। किसी ने कहा कि तुसीं जिले आ गए सानू भी दिखा सकते हैं, कहिंदे जी जे ना कहां ते सानू रोटी कौन खिलावे कौन। इस तरह की पखंड वाली दृष्टि द्वारा असीं धर्म नूं वरतना चाहुंदे हां। धर्म जरा जिथे पखंड आ गया उत्थे धर्म कित्थे रहेगा, उत्थे कर्म नहीं रहेगा, उत्थे श्रम अवस्था भी नहीं रहेगी, कोई बख्शिश वाली प्रक्रिया भी नहीं रहेगी, वो तो विलोर वाली उही गल होएगी ना, कि काल ना ही योग ना ही सत का ढब, था नष्ट जग भ्रिष्ट होए डूबता है जग, कल मैं राम नामा सार अखी तां मिटै नाक पकड़ै, ठगण को संसार उह तां संसार नूं ठगण वास्ते इस तरह दीआं क्रियां हन। इस वास्ते कहिंदे उह दृष्टि जिहड़ी पखंड वाली है परमेश्वर अंतर जामी है, हेरा फेरी नहीं चलती है। मन कपट कमाहे, कई तरह के जो कपट है उन्होंने इंसान कमा रहा है, इस तरह लोगों छलन वास्ते कई तरह के छल धोखे कर रहा है। तिनका रमैया नेड़ नाहे, बादशाह कहते रमैया जिहड़ा रमिया होया राम परमेश्वर है, ऐसे डिब्बी लोगों के नेड़े तक कभी सुपने च भी नहीं जाएगा। वो क्यों जाएगा, सियाना बंदा ही इन्हों के नेड़े नहीं जाता, तो परमेश्वर किवें जाएगा। पातशाह कहते हैं वो जिहड़ा रमैया रमिया होया राम वो बड़ा शुद्ध है, जिहड़े शुद्ध हिरदे वाले है लालो वर्गे उन्हां को तां आप ही चले जाते हैं, किन्ने किन्ने महीने रहिंदे उन्हां दा संतन का दाना रूखा, सो सर्व निदान
दूए पासे मालक भागो उन्हां लई किया ना साध संग जी संतन का दाना रूखा सो सरवन दान फिर साकत साकत लोगों के घर का है फिर साकत जड़े साकत लोगों के घर आ उन्होंने कहते तो बिखू समान उन्होंने जोड़ा प्रधान आता जहर दी नहीं आई है कह लगा जी मेरे ब्रह्म भोज आ पातशाह कहते पता नहीं ब्रह्म भोज आ कि कर्म भोज आ उन्हें हठ किया कोई अपनी धौंस भी जमाने की कोशिश की पातशाह कहते सानू रहन दो अगे तू कतरी हो गए शूदर दे बैठा कहते अभी तो सारे मानस की जात सको एक है पहचान बोधी सारी प्रक्रिया दसन वास्ते आए हैं हटिया नहीं कहते फिर ठीक है जल्द फिर वो सारा सा झूठ का नतारा किया धरती वेल ना दे कहते असी क्या ही तेरी चलो पल बनी हुई है तो ठीक ठाक है फिर हूँ चंगा होया पड़दा घेड़िया इस वास्ते पातशाह दसते हैं मन कपट कमाहे मन करके बहुत लोग कपट छल धोखा करन की कमाई करते हैं जिनकै रमैया नेड़ नाहे रमैया जो राम रमिया होया परमेश्वर आया वो साध संगत जी उन्हां दे नेड़े नहीं जाता है जे को ऐसा संजमी होए ऐसा संजमी भाई बहलो साहब कपड़े पिंड दे पहला तो सभी सुल्तान दे उपाशक सन ये संगत का साध संग जी असर होया फिर वह गुरु घर के सेवक बन गए तो उस वेले पठे अपने लाए हुए सी जिहड़े सरोवर की सेवा चल रही सी किसी ने कहा कि जे इन्हां पंजाबियां इटा दे जो पठे है इन्हां दे विच गिला गोबर पाया जाए तो फिर वो इट बहुत लाल पकदी है भावें वह इतिहास में पेशा लिखा साढ़े जड़े ज्ञानी है ये सोचते नहीं कि मक्खी दे मक्खी मारी जाते हैं अगे वह बंदियां का पेशा लिया के बिच पाते तुम दसो भी बंदियां दे पेशे ना इटा पक सकदियां फिर एडे वे पवित्र सरोवर में इटा लगनिया तो गंद किवें पा सकता एडा वा गुरसिख बेस्टे का मतलब यह नहीं कि बंदियां की गंदगी वह मतलब सी गिला गोबर अज भी गोबर तो गैस बनती है जिले गिला गोबर पाया जाती गैस से इटा के रूमों में ही लंघती सी वो इटा बहुत वधिया पकदियां सी गल यह सी पर सब क्योंकि उदों इत्थे जंगल सी जायदार जी सियाने पुरश बैठे है क्योंकि उदों हाले शहर पूरा आबाद नहीं सी होया अमृतसर साहब जंगल आम सी पशुओं की चराग बहुत सी ते जंगल विच एरने गोहे हुंदे सन एरने गोहां की अग जिहड़ी बड़ी तेज हुंदी है वह भाई बहलो साहब टोकरियां दे टोकरे लिया के उन्हां पंजाबियां विच पाउण की सेवा करिया करदे सी पर साडे इन्हां अग्ञानी ज्ञानियां ने गलत गल करके भाई साहब की महान बुद्धि नूं कुछ प्रगट करन की कोशिश की है इस वास्ते कथा वाचकां नूं कथा करन तों पहलां पूरे निर्णय तक जाके फिर ही विचार संगत विच प्रगट करने चाहिए आ उन्हां गुरसिखां की महानता नूं भी समझना चाहिए वो किन्ने कुशल बुद्धि के मालक सन सो इस वास्ते उहदी कुशलता नूं देख के इटां बहुत वधिया पक्कियां ते पातशाह कहिंदे इट इह वधिया पक्की किन सेवा कीती है कहिंदे महाराज भाई बहलो साहब वल्लों सेवा हुई है पातशाह कहिंदे बुलाओ उन्हों सारा दिन टोकरे ढोंदे सन जिहड़ा हुण सेवादार आ बस्तर तां इस तरह हुंदे आ उह कहिंदे महाराज ते आप दीन दुनिया दे मालक हर वेले अतर सगंधियां विच बहिंदे आ ते मैं किवें जावां पातशाह ने दो वेरी तीजी वेरी नहीं आए फिर आप चले गए पातशाह जिले गए वो कहन पे मेरे बस्तर मैले आ ते महाराज ने कहा मैले नहीं तैं तां सेवा करता कि अंदरली मैल धो ले जाके जप्पी पाई ते बार दत्ता भाई बहलो सब ते बहलो क्योंकि जिहड़ा दरबार साहब आ इहदियां सेवावां चारे देशां दियां वंडियां होईयां सी जिधर बाबा बुढ़ा साहब जी महाराज जी की लाची वेरिया इस पासे बाबा बुढ़ा साहब अपने सेवादारां नूं लै के संगत नूं सेवा कराया करदे सन इस पासे दुख भंजनी वेरी है अठसर तीरथ है इत्थे पहलां सांचियां प्रकाश होईयां
गुरु ग्रंथ साहब जी ने लगाया गोंदवाल साहब सारी रात जौर साहब हुंदा रहा। इस पासे हजूर पातशाह जी आप संगत नूं लैके कृपा करदे सी। जिहड़ी उपरली बाजी है इस पासे भाई महलो ते साधो यह सेवा करते सी। जिहड़ी दर्शनी द्वार वाली बाजी है जिथे भाई सुखा सिंह की डेरी है मताब सिंह ते घोड़ा बन के मत्थे रंगड़न की करतूत फल भरतौन गए है। इस पासे भाई जेठा पुराणा विधि चंद यह गुरसिख सेवा निभाते उत्थे तुम जल्द जाओगे ना तो बेरी साहब के नाल ही छोटा कमरा बनया हुआ उसे पाठ चलते रहते अंदर सोने का पत्रा लग्या हुआ कि आप ख्याल नहीं करते उम्मे आ जाने कई गल्ला बहुत देर देर बाद बंदे को पता लगता उत्थे इन्ना कुछ हैगा इतिहास का। वो साध संगत जी सोने का जो पत्रा उत्ते भाई जेठे प्राणी की फोटो आ कई फटी है तो कार कर रहे जो कि जाओ बेशक ध्यान ना देख आओ। सो इस वास्ते सेवावान महाराज ने उन्होंने गुरसिखा बंडिया से फलाने फलाने इलाके की संगत तुम लियानी है ये सेवा जी वो करनी सेवा करा करा कि लंगर की कोई कि भाई गुरदास साहब ने भाई कल्याणा जी ने प्रचार की सेवा से जुदिया जुदिया महाराज ने कि अपने साध संगत जी लिखण की सेवा भाई पन्नू आदिकों भाई गुरदास साहब ने यह भी सेवा दिखाई हुई सन। सो बहुत तरह दिया सेवावान गुरु घर में सो पातशाह दसते हैं जे को ऐसा संजमी होए बाबा मंज साहब भाई बहलो साहब अथवा होर भी जिन्हें गुरसिख है उन्होंने की क्रिया वाला संजम रखने वाला प्रवेकी पुरश बन जाए क्रिया विशेख पूजा करे बहुत विशेष क्रिया और सच्चे मन के नाल गुरु घर की पूजा और उपासना बंदगी आदत करे अंतर लोग मन विखिया माहे सिखां दी क्रिया जे दूए पासे कर्म कांड ना अखंड धार के पूजा भी बहुत कर लै सोलह प्रकार की विशेष क्रियावान जड़िया उन्होंने वाक हो के वह भी क्रिया करे और अनेक प्रकार दियाँ पूजा भी करिए मन में पखंड वाली धारणा पर क्रिया होवे अंतर लोभ मन विखिया माहे अंतर लोभ है जिवें उह कदरू ब्राह्मण से वो महाराज को आ जाता जिथे भी जाता सी कपड़े ला के बेकर्म हो जाना कहना मैं इन्ने पैसे जो छुरा रखना जो मैं ढिड मार के मर जाऊँ तुम्हें हत्या लगेगी ब्रह्म हत्या वो डरद ने पैसे दे देने फिर वो महाराज को भी आया सी ना धोती फिर बिछाए ये सारा शब्द आ साध संग जी वो बारह के आता गर्द बंग लावे पेट ये कुदरू जड़ा सी इस तरह का पखंड करता हों महाराज कहते यह जो पखंड हैं उन्होंने नाल प्राप्ति नहीं होंगी है। कोई निरंजन कैसे पाहे फिर बोल पाई अंतर लोभ मन विखिया माहे मन जड़ा पिछे पकारां दे विच घूम रहा है। कोई निरंजन कैसे पाहे ऐसा जड़ा व्यक्ति है वो संजन मन होर मुख होर कंडे पचिया दूजे पासे रत्ते इश्क पदाए रंग दीदार के बिसरिया जिन नाम ते होए भार थे बाबा फरीद साहब गुरबाणी सारी अभेद स्वरूप है ताही तो उन्होंने स्थान मिले अभेद होने करके वो कहते ऐसे जड़े लोग है निरअंजन माया रूपी अंजन कालक तो रहते जरा परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है उन्हों किमें प्राप्त कर सकते हैं जिन्हों के अपने मन काले पापा की कालक नाल भरे हुए हैं। कीता हुआ करे क्या होए हाँ कहते कीता करे जो जहा कर्म करते हैं उन्होंने फल भी फिर साध संगत जी वह जहाँ जैसा करे वैसा भरे जिमें वो साध संगत जी कोई ब्राह्मणी सी बड़ी माया धारी वो किसी महात्मा ने भिख्या लगा कहना कर भला वो भला भले का भला वो कहती एम ही बकरवाद करता
उनकी किया वो चार परौठे बनाए जहर पा के ले आए दे दते। वो मुड़ गए आम जड़े कुछ साधु वो पहले जाके इनान कर गए वस्त्र पानी कढ़ के फिर बड़ी तसली दे नाल आई गई संगत होवे भोजन छका के फिर ही आया फिर वो जाप करके छकते आम देखा उन्होंने साधुओं का।